भर में सबसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत गिरेगी, काइंड मास्टर। अगर आपके पास विदाउट वाटरमार्क वाली काइंड मास्टर नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ पे से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे से आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से आपको कुछ फोटोज़ ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे से कुछ फ़ोटोज़ ले लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इन सभी फ़ोटोज़ को यहाँ पर इस एडजस्टमेंट वाले पे चले जाना और इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है साइड में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको इस फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर साइड में आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। मैं सभी फ़ोटोज़ जो है हमारी उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया पे चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको सिंपली ये वाली जो ग्रीन स्क्रीन वाली इफ़ेक्ट है वो वाली इफ़ेक्ट आपको ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाली, उसके बाद यहाँ पे इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। ये वाली ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आपको देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर से उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अगर आपको मेरी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूँ, आप वहाँ पे से जाकर देख सकते हो कि कैसे ये वाली जो मेरी मटेरियल्स है आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये वाली जो ग्रीन स्क्रीन होगी इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रोमा की मिल जाएगी, इस पर चले जाना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको की कलर मिल जाएगी, इस पर चले जाना और यहाँ पर से आपको ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस वी वाली ये वाली जो आपकी वीडियो होगी इसे प्ले करके देख लेना है। जब भी ये ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर फिनिश हो जाती है वहाँ पर आपको फ़ोटो को एडजस्ट कर देना है। इसी तरीके से बाकी जो सारे आपके फ़ोटोज़ है इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो सभी फ़ोटोज़ थे वो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इस वाली फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये थोड़े एडजस्ट नहीं है तो हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है फ़ोटो पे और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एडजस्टमेंट में चले जाना और इसे एडजस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, ये वाली जो आपकी वीडियो होगी यहाँ पर उसे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन में चले जाना है और यहाँ पे से आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे से आपको एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ ये वाली, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, इस फ़ोटो पे क्लिक कर देना है, एडजस्टमेंट में जाना और इस तरीके से आपको फ़ोटो को एडजस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे इक्वल टू के साइन पर क्लिक कर देनी है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देना है, आपको जितने सेकेंड्स के वीडियो बनाने उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, इस पर चले जाना और ये बेसिक इफेक्ट्स वाले में चले जाना और यहाँ पे से आपको ये ब्लर वाले इफेक्ट्स को ले लेना और इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग मिल जाएगी, सेटिंग पे चले जाना और इसकी जो रेशियो होगी यहाँ पर से आपको थोड़ा इसे बढ़ा देना है, यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इस वाले फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो विग्निटी होगी इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना और अभी जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी वो वाली वीडियो को आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर देखिए जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट थी उसकी इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा, ठीक है।
उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम फ्रंट के कुछ पार्ट्स को डिलीट कर देते हैं, इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ट्रिम पे चले जाना है, इसे ट्रिम कर देना है सामने से, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रीन स्क्रीन वाली इफेक्ट है, इसे रिमूव करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोमा की पे चले जाना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे की कलर मिल जाएगा, इस पे चले जाना और यहाँ पे से आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा अपनी वीडियो का, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये हैप्पी बर्थडे वाली इफेक्ट्स को ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हैप्पी बर्थडे वाली टेम्पलेट्स को ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे से फिट टू स्क्रीन कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगी ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग में चले जाना है। फिर इसे यहाँ पे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं प्ले करती हूँ तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर अगर आपको नाम ऐड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको ये वाली जो PNG वाली लेटर्स होगी आपकी उसे ले लेना और यहाँ पर आपको इसे छोटा कर यहाँ पे रख देना है, ठीक है। फिर इसे भी एक्सटेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में, ठीक है। आपको ये नाम आप कहाँ पर भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसे छोटा कर मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर ऑडियो पे चले जाना और यहाँ पे से आपको हैप्पी बर्थडे वाली सॉन्ग को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके का हैप्पी बर्थडे वाला वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।